कानपुर के बाद प्रतापगढ़ के विकास दुबे का होगा काम तमाम। एनकाउंटर होगा या नहीं, या तो राज है, लेकिन प्रतापगढ़ का विकास दुबे यानी सभापति यादव बर्बाद जरूर होगा। इसकी बर्बादी की पटकथा योगी सरकार ने तैयार कर ली है। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि सभापति यादव फरार है। पुलिस उसकी तलाश में दर दर भटक रही है। परेशान पुलिस और प्रशासन ने मोस्ट वांटेड सभापति यादव के साम्राज्य को टारगेट कर लिया। प्रतापगढ़ के आला अधिकारियों का दल बल सभापति यादव के कॉलेज, घर और अन्य संपत्तियों पर पहुंच गया है। संपत्तियों को क्रूक करने की नोटिस भी चस्पा दी है। साथ ही यह घोषणा कर दी कि सभापति यादव की सारी प्रॉपर्टी अब सरकार की है। यहाँ पर उप जिलाधिकारी पट्टी की टीम आई है और इसका परिप्रेक्ष्य यह है कि मुकदमा अपराध संख्या 40/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना आसपुर देवसरा में प्रचलित था, जिसके तहत 14(1) गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई की गई है। उसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय का इस विनयका स्थित जो भूमि है, जिसमें तमाम बिल्डिंग हैं, विद्यालय खड़े हैं, सबको पूर्व करने का आदेश दिया गया है और ये कार्रवाई इन्वेंट्री बनाने की कार्रवाई प्रचलित है। SDM मौजूद हैं। इस संबंध में जो विपक्ष जो पक्षकार हैं सभापति यादव, इनके घर पे हमारे निरीक्षक देवसरा द्वारा नोटिस तामीला कराने हेतु तो वहाँ पर गए और CO पट्टी द्वारा वहाँ पर मुनादी भी कराई गई है। तो ये जो पक्षकार सभापति यादव हैं, इनके द्वारा, इनके परिवारीजन द्वारा या इनके द्वारा नोटिस नहीं प्राप्त किया गया है, तो चस्पा तामीला कराया गया है, मुनादी करा दी गई है। सबको जिलाधिकारी महोदय का आदेश पढ़ करके सुना दिया गया है और जो कार्रवाई है ये प्रारंभ की गई है। आज से आदेश के अनुसार उप जिलाधिकारी पट्टी यहाँ के पूरे प्रबंधक रहेंगे और इस भूमियों का रखरखाव करेंगे और उचित उपयोग जो भी निर्देश है इसमें नियमों के अंतर्गत उस अनुसार इसका जो है निस्तारण करेंगे। अधिकारियों ने स्कूल में हर चीज का ब्यौरा भी ले लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर स्कूल पर भी प्रशासन की JCB चलेगी तो भारत का भविष्य कहाँ पड़ेगा। आपको बता दें कि योगी सरकार में मंत्री मोती सिंह और सभापति यादव के बीच पुरानी राजनीतिक अदावत है। दोनों के बीच जंग तेज है। देखना यह होगा कि सभापति यादव का हाल कितना बुरा होता है। NDTV भारत के लिए प्रतापगढ़ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उसे रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।